तो यार स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। तो यार आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं निमोनिक फॉर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। किसके बारे में? निमोनिक फॉर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो यार ये काफ़ी मुश्किल होते हैं यार ये सारे एग्जाम्पल और सारे ड्रग्स याद करना। तो यार तो इन्हीं के लिए मैंने कुछ निमोनिक बनाए थे जो कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये देखो, ये हमारा केरेटी का चार्ट है जिसमें सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो यार ये देखो, पहला जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स को हम लोग चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहले पहले हमारे होते हैं बेंजोडाइजपीन्स, दूसरे हमारे होते हैं बारबिट्यूरेट्स, तीसरा हमारे होते हैं नॉन बेंजोडाइजपीन्स जिनको हम लोग जेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं, और चौथे हमारे होते हैं वही अपने मिसलेनियस। तो यार हमारे बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? यार वो हमारे गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं। गाबा और हमारे जो सेल है उसको हाइपरपोलराइज बनाते हैं ड्यू टू तक क्योंकि वो ज्यादा इन्फ्लक्स करवा देते हैं कैल्शियम क्लोरीन का। क्या करते हैं हमारे जो बेंजोडाइजेपिन्स है वो गाबा ए रिसेप्टर पर काम करते हैं और क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको नींद आने लगती है क्योंकि गाबा क्या है, इनहिबिटरी है। तो यार हमारे ब्रेन को पूरा इनहिबिट कर देगा, इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है डिप्रेस होने लगता है। देन यार जो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आती है वो आती है बारबिट्यूरेट्स। यार ये भी गाबा ए रिसेप्टर पे ही काम करता है सेम, ये भी हमारा गाबा ए रिसेप्टर पे काम करता है। बस दोनों के बीच में डिफरेंस इतना है वो ये होता है कि जो हमारे बेंजोडाइजेपिन्स है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्लोराइड चैनल ओपनिंग है वो बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। लेकिन जो हमारे बारबिट्यूरेट्स होते हैं, बारबिट्यूरेट्स जो है ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा देर के लिए क्लोराइड चैनल ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी साइनेप्स के जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। तो यार ये हमारी होगी सेकेंड कैटेगरी बारबिट्यूरेट्स। देन आते हैं यार हमारे पास नॉन नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। तो यार इनको हम लोग जो है जेड कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि इनके सारे नाम मोस्टली जेड से इसके जो सारे नाम से वो जेड से चालू हो रहे हैं। तो यार इनका जो फंक्शन, इनका जो एक्शन होता है, तो इनका जो एक्शन होता है वो सिमिलर टू बेंजोडाइजेपिन्स होता है, बी डी जेड। इनका जो एक्शन होता है वो सिमिलर टू बेंजोडाइजेपिन्स होता है, बट इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइजेपिन्स से अलग होता है, जिसकी वजह से हम इनको अलग कैटेगरी में डालते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जेड कंपाउंड्स। तो देन यार हमारे पास आते हैं फोर्थ कैटेगरी जो कि है अदर हिप्नोटिक्स, जिसमें हमारा आता है ट्राइक्लोफोस, मेलाटोनिन, रेमिल्टियोन और सुबेरेक्सेंट। तो यार अब हम लोग ये हमारी सारी जितनी ड्रग्स हैं, हमारी जितनी सारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं उनको हम लोग याद करने वाले हैं निमोनिक के थ्रू। हम लोग उनको क्या याद करेंगे? निमोनिक के थ्रू याद करेंगे, वो भी बहुत इजीली यार। इतनी सारी जो नाम लिख रहे हैं हम लोग उसको इजीली बहुत आसानी से याद कर लेंगे। लॉन्ग पोनी बट शॉर्टेज ऑफ पैसे इंडिकेट अगली बैच लाइक जयान, समीर तिवारी एंड बैचलर्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यार मतलब अगर हम समझ जाते हैं तो हमको ज्यादा देर तक चीजें याद रहती है। तो यार आपने देखा होगा कि जिनके भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे यार अभी पठान आई है, पठान में हमारे शाहरुख खान के कितने लंबे बाल थे यार, दुनिया तो दीवानी होगी उनकी। तो यार वैसे ही लॉन्ग पोनी है बट उस बंदे के पास पैसे नहीं है, शॉर्टेज ऑफ पैसे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, मतलब वो चूतिया है, वो बंदा चूतिया है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा किसी को। और कौन कौन है वो लोग जिनकी पोनी बड़ी लंबी है बट उनके पास पैसे नहीं है? जयान, समीर तिवारी और बैचलर्स, जितने बैचलर्स हो गए, बैचलर क्या थे यार हमेशा ही पैसों की कमी होती है, ये तो जितने भी हॉस्टल हॉस्टलर्स हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा यार। तो यार देखते हैं हम लोग कैसे याद करने वाले हैं इस
फ्रेज के थ्रू हमारे सारे सिलेटिव एंड हिप्नोटिक्स को। तो चलिए यार शुरू करते हैं। देखो लॉन्ग से हम लोग क्या याद रखेंगे, लॉन्ग से हम लोग याद रखेंगे लॉन्ग एक्टिंग। बारबिट्यूरेट्स हम लोग पहले देख रहे हैं, तो बारबिट्यूरेट्स हमारे पास क्या था, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्या क्या था, फिनोबारबिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटो बारबिटोन और पेंटो बारबिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम और हेक्सीटोन। तो यार जो लॉन्ग लॉन्ग पोनी से हम लोग याद करने वाले हमारे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को, तो यार लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स जो है वो कौन सा है, फिनोबारबिटोन। तो यार पोनी के पीस हम लोग याद करने वाले हैं फिनोबारबिटोन। देन यार जो सेकंड हमारा शॉर्ट एक्टिंग है उसको हम लोग याद करने वाले हैं बट शॉर्टेज ऑफ पैसे। तो यार बट से हम लोग याद करने वाले हैं ब्यूटो बारबिटोन, शॉर्टेज से हम लोग याद करेंगे शॉर्ट एक्टिंग, और पैसे से हम लोग याद करेंगे पेंटो बारबिटोन, पेंटो बारबिटोन। तो यार हमारा दो कैटेगरी तो इजीली हो गई। देन हम लोग लिखते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी को जो कि है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो यार अगली से हम लोग याद करने वाले हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। मैथ के एम से हम लोग याद करने वाले हैं मैथो एक्सीटोन, और टी एच मैथ के टी एच से हम लोग याद करने वाले हैं थायोपेंटोन सोडियम। तो यार इस फेज के थ्रू हमने याद कर लिया हमारे सारे बारबिट्यूरेट्स को। देन यार आपको याद हुआ कि किस किस की पोनी बड़ी थी और पैसे की कमी थी, जयान, समीर तिवारी और बैचलर्स। तो यार जयान से हम लोग याद करने वाले हैं सारे हमारे जेड कंपाउंड्स को। जेड कंपाउंड के सारे नाम जेड से चालू हो रहे हैं, जोपिक्लोन, जोलपीडेम, जेलापिलॉन, जेलेपिलॉन, तो यार जितने भी जेड से कंपाउंड है वो। देन यार समीर के ऐसे से हम लोग याद करने वाले हैं सुवर एग्जेंट। देन एम समीर के एम ई से हम लोग याद करने वाले हैं मेलेटोनिन। देन आर से हम लोग याद करने वाले हैं रेबेल्टियन। फिर तिवारी के टी से हम लोग याद करने वाले हैं ट्राइग्लोप्लॉस, और आखिर हमारा क्या होता है बैचलर्स। तो बैचलर्स हमारे पास आ गए बेंजोडाइजिपिन। तो यार बेंजोडाइजिपिन के नाम तो आपको मोस्टली याद ही होंगे, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑक्सराजेपाम, जितने भी ये पाम पाम है सब बेंजोडाइजिपिन में आते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोग कैसे याद किया हमारे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स को। वो फ्रेज था लॉन्ग पोनी बट शॉर्टेज ऑफ पैसे, लॉन्ग पोनी बट शॉर्टेज ऑफ पैसे इंडिकेट अगली मैथ स्किल्स लाइक ज्यान, समीर तिवारी एंड बैचलर्स। तो यार होप करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। तो यार ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को फॉलो कर ले। मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।